आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी एक्सेल फाइल को एमएस वर्ड में इंसर्ट कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक मार्कशीट बनाई है एक्सेल फाइल में, तो हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं या मार्कशीट बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लैंक एक्सेल लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे अगर आप कोई स्पेसिफिक यानी पहले से बना हुआ एक्सेल फाइल लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एमएस वर्ड को ओपन करना है। ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको मिलेगा साइड में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें एरो वाले ऑप्शन पे और आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करें और आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे देखने को। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, तो इस वाले पे क्लिक करें। यहाँ पे शायद आपका ये काम ना करे तो आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। हमारी एक्सेल फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हम अपनी कोई भी फाइल इसमें लिख सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आप कोई पहले से बनी हुई फाइल लेना चाहते हो तो सिंपली आप पहले उस एक्सेल फाइल को ओपन कर लीजिए। तो हमारी एक्सेल फाइल यहाँ पे आ चुकी है। सिंपली आप इसका डाटा कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, इसको मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पे आके अपना डाटा जो आपका एक्सेल का डाटा है उसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी एक्सेल फाइल आ चुकी है, तो बन चुका है। अब यहाँ पे आपको बाहर कहीं पर भी क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारी एक्सेल फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी कोई भी एक्सेल फाइल को यानी एमएस एक्सेल की फाइल को एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि मार्कशीट या कुछ और। शायद आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिएगा।